हेलो दोस्तों, उपस्थित हूँ नई जानकारी के साथ और इस वीडियो में रिव्यू कर रहा हूँ एल मैप कैम इस्पास टेबलेट का। इस टेबलेट को मैन्युफैक्चरिंग करती है एल कैम लेबोरेटरीज लिमिटेड। और दोस्तों, इस टेबलेट का सबसे प्रमुख उपयोग किया जाता है पेट में होने वाले तेज दर्द में। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि पेट दर्द के अलावा ये टेबलेट किन किन समस्याओं में काम करती है और क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। दोस्तों, इस टेबलेट को डॉक्टर IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी सजेस्ट करते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक तरह की बीमारी होती है जो बड़ी आंत को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण पेट में दर्द, पेट में ऐंठन, कॉन्स्टिपेशन, गैस जैसी समस्या होती है। इसके अलावा दोस्तों, ये टेबलेट काम करती है गठिया की समस्या में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द और पीठ दर्द की समस्या में भी काम करती है। लेकिन दोस्तों, इस टेबलेट को अधिकतर मामलों में डॉक्टर पेट के दर्द में लेने की सलाह देते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मार्केट में ये टेबलेट उपलब्ध नहीं होती है तो आप इस कंटेंट वाली कोई दूसरी ब्रांड की टेबलेट भी ले सकते हैं, जिसमें मेफेनामिक एसिड और डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड हो। और इस टेबलेट की अगर डोज की बात करें तो सुबह शाम एक एक टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है खाने के बाद में। और प्रेगनेंसी में इस टेबलेट को लेने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इस टेबलेट से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जैसे चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई, पेट में ऐंठन, मुँह का सूखना, पेट में गैस बनना, उलझन, कॉन्स्टिपेशन या इनडाइजेशन जैसी समस्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स हर किसी में नहीं देखे जाते हैं। अगर आपको इस प्रकार के लक्षण नज़र आए तो आप डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेडिसिन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें।